नहीं बता कौन मैडम से मिलने का, मे आई मीट यू मैडम, ये कौन मैडम से मिल रहा है रे? इस फरवरी महीना बहुत खराब है, न जाने कितनों का दिल तोड़ा इसने, इसीलिए चाय बना के लाओ तो भी ले। कैसा बना है मैगी, कैसा बना है? मतलब कोई वहां गाइड करने वाला था कि तोरा नक्शा पास ना करेंगे, इनने से उनने कर देगा तो कंगना रनौत की तरह छज्जा तोड़ देंगे तोरा। इतस्तता किसे कहा गया? झेल व्यास बिपाशा, ये कभी नहीं भूलेगा, व्यास बिपाशा, बासु मत जोड़ दीजिएगा। बिपाशा बासु वो हीरोइन थी, बहुत हाँफती थी वो। हमको तो लगता है भारत में पहला कोरोना उसी को था, वो किसी मूवी में देखिएगा बिना हाँफते को दिखाई देने का। अजी उसका एक भूता मूवी था राज, चुड़ैल बनल थी उसमें, और नहीं याद होगा तो जाएंगे आप लोग चौपट हो जाएंगे। है मे आई विजिट मैम, ये बकलोलवा कोने मैडम से मिलने के लिए कह रहा है, ओकरा ब्लॉक मारो तो एप्लीकेशन, अरे वो डिलीट हो जाएगा उसको, चलो चलो नीचे चलो, नीचे चलो उसको डिलीट, वो मत मार देना वरना वो एप्लीकेशन से डिलीट हो जाएगा, फिर उसको बैज परचेज करना पड़ेगा। यहाँ बाबू एप्लीकेशन वाले लोग तामझाम नहीं किया कि यहाँ दो मिनट में आपका गर्दन हमारे पास है। ब्लॉक करेंगे तो आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, डिलीट करेंगे तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ब्लॉक मार अब उसके एप्लीकेशन से ब्लॉक कर देंगे ना तो आप उस ईमेल आईडी से प्ले स्टोर से भी बाहर हो जाएंगे, इसलिए बदमाशी नहीं। बताओ कौन मैडम से मिल लेगा, मे आई मीट यू मैडम, ये कौन मैडम से मिल रहा है ये? सोचा फरवरी महीना बहुत खराब है, न जाने कितनों का दिल तोड़ा इसने, इसीलिए इसके दिन को घटा दिया गया है, बहुत खराब महीना, कोनो याद आ रहा होगा, पढ़ ले बबुआ पढ़ ले, फरवरी चौपट महीना है। चले यहां देखो, लेकिन मगध के राजा जो थे सब ना बहुत खतरनाक थे सब, वो लड़ाई भी बहुत करता था सब, और शादी ब्याह भी बहुत कर लिया सब, तो नवरसा वाली जमीन देखता था सर। नवरसा उसे कहते थे जिस लड़की का भाई नहीं है ना, अगर आप उससे ब्याह कर लेंगे ना तो पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी, पूरी संपत्ति आपकी, और उसके जीवन का पूरा नखड़ा सब आपके सर पे आएगा। ए चाय बना के लाओ तो जा, चाय पिया तू यहाँ है कि नहीं? अच्छा लेकिन लव मैरिज वाला चाय बना के पिलाता है। अरे हमारे एक दो दोस्त में की शादी हुई है ना लव मैरिज में, बेचारा मैगी बना बना के खियाता है। हमसे कहता है यार क्या कहे, हम कहते तो ओकरे सामनेवा कौन ना, तो उसके सामने जाके भीगी भी ले, कैसा बना है मैगी, कैसा बना है, कैसा बना है। सात को क्या कहते हैं? सप्त। तो ये कौन सा होगा? षष्ठ दर्शन। छह है तो षष्ठ, ऐसे ठीक लिखा है जी? षष्ठ नहीं लिखा है सही, स दर्शन। ए छोड़ो यार पहले ही सही था, षष्ठ दर्शन समझ आ गया। हम लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं यार। हिंदी हिंदी के क्लास में हम लोग छुट्टी लेके चल जाते, मैडम पानी पीने जाए, पानी पीने चल जाते थे, हिंदी के बाद आते थे लोग, घंटी खत्म हो जाता, समझे में नहीं आता था हिंदी का क्लास। उसका भूख इतना पड़ता है अभी। खैर उसमें सबको अपना अपना एक गड़बड़ होता है, हमको मात्रा होता गलती हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिए, इलाहाबाद में जाइएगा ना या दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो अंकल की एज के लोग तैयारी कर रहे हैं, अंकल के लोग, आंटी सब भी है सब, वो लोग तैयारी कर। तो भाई हर चीज का एक तरीका होता है, आप उस तरीके के हिसाब से किसी को किसी भी एग्जाम की हम बात करते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम अगर आप उसके पिछले 10 से 15 साल का प्रीवियस बना लेते हैं तो आधा तो काम आपका वहीं हो गया, कुछ नहीं तो उसको यादों कर जाते हैं। हम तो आगे समझाएंगे, लेकिन फिलहाल अगर जो घर पे है क्लास नहीं कर सकता उसको यादों कर लेता है ना तो उसको बहुत काम आएगा। रीजन क्या है कि मेंस बहुत टफ एग्जाम होता है, उसमें एक सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एक एरिया है कि यही चीज क्वेश्चन, उसमें ही नहीं पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम सहनी, मेंस में पूछेगा ही सब लेमचूस वाला क्वेश्चन पीटी में निकल जाता है। उसमें क्या पूछेगा कि आप कैसे प्रमाणित कर सकते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यही पूछेगा। आप बताइए कि भैया यहाँ के घर जो थे सड़कें सीधी थी, नालियां ढकी थी, सुव्यवस्थित ढंग से थे, जो शहर जहां मिला है जिसके दरवाजे पीछे खुले हैं उस पूरे शहर के दरवाजे पीछे खुले थे, इसका मतलब कोई वहां गाइड करने वाला था कि तोरा नक्शा पास ना करेंगे, इनने से उनने कर देगा तो कंगना रनौत की तरह छज्जा तोड़ देंगे तोरा, कोई ना कोई नगर निगम था कि नहीं था?
चतुर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेंस के एग्जाम में आपको प्रीवियस क्वेश्चन को बनाएंगे, हो जाएगा। अब जनपद जो था वो लोहे की खोज होने की वजह से नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ने लगा, वहां लोहार लोग की संख्या बहुत बढ़ने लगी और लोहार एक से एक सामान बनाने लगा, हसुआ खुरपी रामा भाला दुनिया भर का बर्छी। देखते हैं भाई लोहार की दुकान पे जाएंगे तो आपको 100 से ज्यादा आइटम मिलेगा, करनी बसुली हथौड़ी जंजीर बेंत बांधने के लिए, खरगोश वरगोश बांधने के लिए जंजीर, अरे जंजीर खरगोश कर रहे हैं, हाँ कुत्ता बांधने के लिए, खरगोश तो जंजीर में मर ही जाएगा। तो इंसान की जरूरत की जितनी चीजें थी वो कहाँ मिलने लगी, लोहार के यहाँ मिलने। आप इस क्लासरूम में बैठे हैं ना, इस क्लासरूम में अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल इलेक्ट्रॉनिक चीज को छोड़ दीजिएगा, मतलब लाइट बिजली को, तो यहाँ 80% आपको लोहा का चीज मिलेगा। हाँ लोहा मिलने लगा, लोहा इंग्लिश में क्या बोले, आयरन, सीबीएसई वाला था सर, थोड़ा इंग्लिश बोल लीजिए, लोहा आयरन, आयरन आयरन की जो खोज हो गए, एफ ही वही।